सो हेलो दोस्तों, पिछली 3-4 वीडियो में मैंने बताया था कुड नॉट फाइंड योर जीमेल अकाउंट के बारे में, स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। इस तरह का अगर आपके अकाउंट में प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको जानना होगा ये प्रॉब्लम आता क्यों है। तो ये प्रॉब्लम आता इसलिए है कि आप लोग जो है मतलब कि इसका पासवर्ड भूल गए हैं, आपको पासवर्ड नहीं याद है, रिकवरी ईमेल नहीं है, रिकवरी फ़ोन नंबर नहीं है, या फिर आपका फ़ोन नंबर बंद हो गया है, तभी ये सब प्रॉब्लम आता है कुड नॉट फाइंड योर जीमेल अकाउंट का। और ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे मतलब इंडिया में तो मैं मान सकता हूँ बहुत सारे क्रिएटर को आ रहा है कि उनका अकाउंट है, उनका यूट्यूब चैनल है, उनका अकाउंट रिकवर नहीं हो रहा है। और ये होता कब है कि आपका एक ही फ़ोन है, आप उस फ़ोन को रीसेट कर देते हैं तभी ये प्रॉब्लम आता है। तो कैसे इस प्रॉब्लम का सलूशन है आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड की मदद से इसका सलूशन बताता हूँ मैं आपको। तो आपके गूगल अकाउंट का जो साइन इन वाला ऑप्शन है, साइन इन नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन अब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको उस ईमेल को लॉगिन करना है। चलिए मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ क्या ऑप्शन आ रहा है अभी। तो यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल ले रहे हैं, डालने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर करेंगे क्लिक। देन क्लिक करने के बाद मैं इस प्रॉब्लम का सलूशन आज मैं आप लोग को बता दूंगा क्या सलूशन है। तो यहाँ पे आपको रैंडमली कोई भी पासवर्ड डाल देना है, आपको तो पासवर्ड पता नहीं होगा, अगर पता है तो डाल लीजिए, मुझे तो पता नहीं है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो यही दिक्कत है, पासवर्ड मुझे पता नहीं है, तो फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक कर देना है। देन फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ईमेल आ जाएगा, मतलब कि रिकवर करने के लिए मोबाइल नंबर या फिर ईमेल। तो मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लेना है कंफर्म करने के लिए, लास्ट में जो 50 है वही नंबर, तो नेक्स्ट कर देंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ओटीपी आएगा उसी नंबर पे। देन ओटीपी आने के बाद आपको उसे फिल कर लेना है। फिल करने के बाद अब आपका अकाउंट रिकवरी हो रहा है। देन मैं आपको बता रहा हूँ आगे आपको क्या करना है। देन थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि मतलब कि ये प्रोसेसिंग होता है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपका जो मतलब टू स्टेप वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन है वहीं फंस जाता है। तो हमने क्या किया, जो ईमेल मैं लॉगिन कर रहा हूँ उसी ईमेल को टू स्टेप वेरिफिकेशन में डाल दिया, और जो मतलब दो ईमेल है, एक ईमेल मेरा बंद हो चुका है। तो ट्राई अनदर वे पे क्लिक करना है या फिर किसी ईमेल पे क्लिक करिए। ईमेल पे ओटीपी नहीं आएगा, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो हमने ईमेल पे क्लिक किया, तो ईमेल पे मैं देखता हूँ ओटीपी तो आएगा नहीं क्योंकि मेरा वही ईमेल मैं लॉगिन कर रहा हूँ, तो गलती मुझसे हो गया था मिस्टेक। देन हमें यहाँ पे ट्राई अनदर वे फिर से हम कर देंगे। देन करने के बाद फिर ट्राई अनदर वे टू साइन इन, इस पर हमको क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको क्या करना है, उसी लोकेशन पर जाना है जहाँ आपने इस अकाउंट को सबसे ज़्यादा लॉगिन किए थे, और उस मोबाइल को लॉगिन करना है जिसमें आपका अकाउंट लॉगिन हो पहले। इसके पहले आप जिस फ़ोन में सबसे ज़्यादा अकाउंट लॉगिन किए थे उस फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो आपका पक्का 100% मैं कह रहा हूँ कि आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा, या फिर उसी आईपी एड्रेस पे जाना है उसी लोकेशन पे, तब लॉगिन हो जाएगा आपका अकाउंट। तो आई होप आप लोग कुड नॉट फाइंड योर जीमेल अकाउंट का जो सोल्यूशन है वो आप लोग मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।